देखो बेटा, इस प्रॉब्लम में आपको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट से दीज आर दी पैरेलल लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो प्रोडक्ट कर देते हैं तो आएगा एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2LM एक्स वाई प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाला टर्म आएगा एन डैश एल प्लस एन एल, वाई वाला टर्म आएगा एन डैश एम प्लस एन एम इंटू वाई प्लस एन इंटू एन डैश। इसको कंपेयर करेंगे तो ए आ गया एल स्क्वायर, 2LM होगा दैट इज LM हो जाएगा एच के बराबर, बी हो जाएगा एम स्क्वायर एन डैश एल प्लस एन एल हो जाएगा 2G, एन डैश एम प्लस एन एम हो जाएगा एन एम डैश हो जाएगा। हाँ ठीक है, एन एम हो जाएगा 2F और एन एन डैश हो जाएगा C। अब यहाँ से देखिए एल एच स्क्वायर कितना होगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर वही किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर। तो इससे आगे कंडीशन एक होगी एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया। डिस्टेंस बिटवीन निकालना है तो हो जाएगा एन माइनस एन डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एल स्क्वायर कितना है, ए है, बी एम स्क्वायर है बी, तो रूट अंडर रूट ए प्लस बी हो गया। और इसको एन माइनस एन डैश को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से ये हो जाएगा एन प्लस एन डैश इंटू एम इज इक्वल टू 2F, और इसी तरह से ये हो जाएगा एन प्लस एन डैश इंटू एल इज इक्वल टू 2G। तो हमें निकालना एन प्लस एन डैश, तो हो जाएगा एन प्लस एन डैश का होल स्क्वायर माइनस 4NN। तो वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आएगा, एन प्लस एन डैश की वैल्यू आ रही है 2N+NS की वैल्यू, और L यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2G/L का होल स्क्वायर माइनस 4C/√ A+B। तो ये हो गया 4G²/L² कितना होगा, L स्क्वायर है A माइनस 4C/√ A+B। तो दिस इज दी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन और ये है कंडीशन H² = AB। अननेसेसरी है बेटा ये सब, सब्जेक्टिव अब नहीं आते एग्जाम में, ना आपको याद करने की ज़रूरत है ये सब।